केंद्र सरकार नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर बयान दिया। इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि हमने एक एडवाइजरी जारी कर सभी ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर 5% का डिस्काउंट देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी एक विन विन पॉलिसी है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण में तेजी से कमी आएगी बल्कि ऑटो सेक्टर को भी बल मिलेगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए हमने एक एडवाइजरी अब इशू की है कि जो स्क्रैपिंग करेगा अपने व्हीकल को, ट्रक को या बस को, तो वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जाने के बाद मैंने देश के सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को आह्वान किया है और उनको एडवाइजरी भेजी है। मैं मैंडेटरी नहीं कर सकता, तो उनको आह्वान किया है कि आप 5% आप इसको सहूलियत दो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो समझो आपकी कार 10 लाख रुपए की है तो 50,000 रुपए का इंसेंटिव वो देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से आपको नई गाड़ी खरीदने में पेट्रोल डीजल के तुलना में आपका एवरेज 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा और ऊपर से आपको इसका फायदा होगा। तो ये निश्चित रूप से इसका काफी लोगों के लिए उपयोग होगा। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट इसमें दी है, इससे लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी में वाहन मालिकों को भी कई फायदे दिए गए हैं। पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। ये छूट ऑटो कंपनियां देंगी। नया वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में भी 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। गडकरी ने कहा कि स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की वैल्यू नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत के आधार पर होगी। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन की वैल्यू एक्स शोरूम प्राइस की 4-6% हो सकती है। शुरुआत में कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट के आधार पर स्क्रैप किया जाएगा, जबकि प्राइवेट व्हीकल्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के आधार पर स्क्रैप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मापदंड जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के आधार पर तय किए गए हैं। प्रस्तावित पॉलिसी के मुताबिक ऐसी गाड़ियां जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगी या जिनका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स घोषित किया जाएगा, यानी ऐसी गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा। पॉलिसी में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट पाने में विफल रहने पर डीरजिस्टर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा 15 साल से पुराने वाहनों को फिटनेस टेस्ट कराने के लिए भी ज्यादा टैक्स देना होगा। पॉलिसी के मुताबिक 20 साल पुराने ऐसे वाहन जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, उनको डीरजिस्टर किया जाएगा, यानी उनका पहले का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म किया जाएगा ताकि वे सड़क पर चलने योग्य न रहे। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। सरकारी और पीएसयू से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए आवश्यक फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, तो वहीं दूसरे वाहनों के लिए आवश्यक फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से फेज वाइज लागू होंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी से भारत अगले 5 साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 100% लिथियम ऑन बैटरी बनेंगी। इस पॉलिसी से स्क्रैपिंग सेंटर, OEM, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। साथ ही प्लास्टिक, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील की रिसाइकलिंग होने से लागत में भी कमी आएगी। जाहिर है नई स्क्रैपिंग पॉलिसी से जहां पॉल्यूशन में तेजी से कमी आएगी, वहीं डिस्काउंट मिलने से वाहन मालिकों को भी इसका फायदा मिलेगा।